¿Me dice? तो ये आपने पढ़ा हुआ था कि अगर एक प्रेडिकेट है तो सब्जेक्ट की तरह इसके भी आपके पास कितने पार्ट्स हैं? पहला पार्ट है आपका और दूसरा ऑब्जेक्ट और तीसरा यानी एक जो आपका प्रेडिकेट है उसके भी यही तीनों पार्ट्स हैं, एक तरह से वर्ब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, इसके भी तीन ही पार्ट्स। जैसे ही कोई वर्ब कहे तो सबसे पहले आप दिमाग में दो चीजें अपने ध्यान में आए कि जो वर्ब होते हैं वो केवल दो प्रकार के, कौन सी वर्ब? मेन वर्ब और दूसरी हेल्पिंग। एक जो ऑब्जेक्ट है आपका वो भी दो ही प्रकार का, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक जो कॉम्प्लीमेंट है संयोग से वो भी दो ही प्रकार का, एक सब्जेक्टिव और एक इन्हीं तीन पार्ट्स को अगर हम डिटेल में अच्छे से समझ लें तो हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, क्लियर। जिस दिन आप ये समझने लगे किसी वाक्य में एक वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, एक वाक्य की वर्ब क्या है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है और उसके कॉम्प्लीमेंट से एडवर्बियस को कैसे पहचानते हैं, तो आप अपनी सफलता में पहली श्रेणी चढ़ चुके हो। जिस दिन आपने उसके टेंस को मैनेज कर लिया आप दूसरी श्रेणी चढ़ चुके हो, और जिस दिन आपने मॉडल्स तय कर लिया उस दिन आप एक प्लेटफॉर्म पे हैं कि अब हम यहां से आराम से धीरे आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले इस समझते हैं मेन वर्ड और एक हेल्पिंग वर्ड क्या है। मैंने अपनी कॉपी पे ये बना लिया था आपने ना, चलिए मेन वर्ड, मेन वर्ड हो गया। ठीक, एक सब्जेक्ट जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी करता है वह उसकी वर्ब कहलाती है, वह उसकी वर्ब कहलाती है। एक लाइन और जोड़ दें आप, सब्जेक्ट की अवस्था उसे क्या, सब्जेक्ट की अवस्था, सब्जेक्ट की अवस्था दिखाने वाला शब्द भी वर्ब कहलाता है, वर्ब कहलाता है। आप इसी चीज को इंग्लिश में लिख सकते हैं, वर्ब डिनोट्स एंड एक्शन आर स्टेट, लिखिए। वर्ब जो है वो बताती है एक एक्शन के बारे में या उसकी अवस्था के बारे में। देखिए दो वाक्य देखें और पहचान करें कि कौन सी हमारी एक्शन शो कर रही है और कौन से हमारी स्टेट शो कर रही है। हमने कहा आई एम रीडिंग, यहां सब्जेक्ट कुछ कर रहा, सब्जेक्ट जो कुछ भी कर रहा है वो हर हाल में क्या है, वर्ब है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, ये पूरी आपकी क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। अब ये कुछ कार्य कर रहा है ना, कोई अवस्था तो है नहीं, यहां पे वो कार्य कर रहा है, ये जो वर्ब है ये कौन सी वर्ब हो जाएगी,
एक्शन, लिख लें एक्शन बन गया। अगर यही वाक्य होता I am sad, मैं उदास, इस उदासी को प्रकट करने वाला शब्द कौन सा है? This is state। पहले आप देख लें, यह लिखा है आपकी वर्ब, ठीक है, लेकिन इस वर्ब में ये क्या दिखा रहा है? स्टे, इसी को हम किस नाम से जानते हैं? लिंकिंग वर्ब के नाम से जानते हैं, लिंकिंग वर्ब। लिख यानी यहां पर सब्जेक्ट की कार्य को दिखाया गया उसके एक्शन के द्वारा और यहां सब्जेक्ट की अवस्था को दिखाया गया उसकी वर्ब स्टेट के द्वारा। इस जब भी इज एम आर वाज वर्ड के बाद अगर कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब या फिर कोई भी नाउन प्रोनाउन आए तब तुरंत समझ जाए ये यहां कौन सी वर्ब है, स्टेट दिखाने वाली, अर्थात कौन सी वर्ब है? लिंकिंग वर्ब। लिखें नीचे। अब पहले आप ये पहचान लें कि यह लिंकिंग होगी या एक्शन वर्ब होगी, पहचान लेंगे आप। द मैन इज टॉकिंग, ये इज टॉकिंग एक्शन होगी या स्टेट क्या होगी? क्या होगी? एक्शन है, क्योंकि वो कार्य कर रहा है, बात कर रहा है। और देखें, द मैन इज हैप्पी, अब कौन सा मतलब है? स्टेटिव वर्ब या लिंकिंग वर्ब कुछ। और देखिए आप, शी वाज हैप्पी, ये वाज कौन सी वर्ब होगी? स्टेटिव वर्ब या लिंकिंग वर्ब होगी। लेकिन ये देखते हैं, शी इज, अभी क्या होगी? एक्शन। जब भी आप कोई कार्य करते हैं वो आपकी एक्शन वर्ब में आती है, और जब आपकी अवस्था दिखाई जा रही है तो वर्ब जो उस अवस्था को दिखा रही है वो आपकी लिंकिंग या स्टेटिव वर्ब। लाइन चेंज करके लिखें, पार्ट्स ऑफ मेन वर्ब, ये लिखें parts of main verb। अभी आपने लिखा था एक main verb केवल दो प्रकार है, एक हो गई आपकी action verb और एक क्या हो गई आपकी being कह सकते हैं, स्टेट कह सकते हैं या लिंकिंग कह सकते हैं। इनमें माइन्यूट डिफरेंसेस होते हैं, बट करीब करीब वही है। आप एक एक्शन वर्ब जो है, अब इसको हम बांट लेते हैं तीन प्रकार को, यहां से हमारे टीचर सबको पढ़ाते हैं। ये एक्शन वर्ब हो जाती कौन सी? ट्रांजिटिव हो सकती है, ये एक्शन वर्ब हो सकती है, इंट्रांजिटिव हो सकती है, और एक्शन वर्ब हो सकती है, डाई ट्रांजिटिव हो सकती है। ये बीइंग या लिंकिंग वर्ब जो है आपकी ऑलरेडी अवस्था दिखाएगी, वही रहेगी आपकी। इस ट्रांजिटिव वर्ब का क्या मतलब है? इसके साथ एक ऑब्जेक्ट रहे, ये जो इंट्रांजिटिव है इसका क्या मतलब है? इसके साथ
कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा। और एक आई ट्रांसलेट मतलब क्या है, इसके साथ दो ऑब्जेक्ट्स लिख ना ना लिखो कोई मतलब नहीं लिख लें। एक्चुअली जो वर्ब ट्रांसलेटिव होगी वो अपने आप एंड ए ट्रांसलेट हो जाए। ये धीरे धीरे आपके अब निर्माण का समय आ रहा है, मेहनत करेंगे। हमने कहा सेंटेंस अच्छे से पढ़ लें, जहां भी आपको लगे आप नहीं समझ पा रहे हैं बोल दीजिए। जैसे यहां मैं शुरू से आ रहा हूं, कोई भी पूछे आपसे मेन, अभी हमें हेल्पिंग वर्ब छोड़ देते हैं, भूल जा, मेन वर्ब कितने प्रकार की होती है, हम क्या कहें, मेन वर्ब दो प्रकार की होती, एक एक्शन वर्ब और एक लिंकिंग डीन या स्टैटिक, जो भी कहने आप ठीक है। जो एक्शन वर्ब होती है वो ट्रांजिटिव हो सकती है, अर्थात एक ऐसी वर्ब जो अपने साथ कितने ऑब्जेक्ट्स लेती हो, एक ऑब्जेक्ट का हम अभी कुछ देर में ऑब्जेक्ट भी जानेंगे शायद आज ही, अगर वो इन ट्रांजिटिव है या फिर ट्रांजिटिव का एंटोनिम इन ट्रांजिटिव है, मीन्स उसके पास एक भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा। और अगर वो डाई ट्रांजिटिव, डाई मीन्स दो, अगर वो डाई ट्रांजिटिव मीन्स उसके पास क्या है, दो ऑब्जेक्ट्स। और वो आगे पढ़ेंगे एग्जाम्पल से, यहां कोई दिक्कत अब आपकी नहीं। एक चीज अभी हम और कुछ देर में जानेंगे कि शायद आप ये थे कि नहीं, एक जो प्रेडिकेट है वो भी सिंपल कंप्लीट और हो गया पूरा। चलिए तो फिर से आते हैं अब यहां पे ट्रांजिटिव, ये वाक्य देखें, ही इज, मैं फिर कहूंगा जो बच्चा बनना चाहता हो यहां से मेहनत करिए। जब आप एक वर्ब से कौन का प्रश्न करेंगे तो आपको हमेशा सब्जेक्ट मिलेगा, कि कौन बुला रहा है ये आपका सब्जेक्ट। अगर आपको वर्ब न पता हो और कुछ न पता हो तो आप ये देख लें कि हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से जो पहले है वो क्या है, सब्जेक्ट, नॉर्मली ये सब्जेक्ट है। अब अगर सब्जेक्ट आपको पता चल गया तो आप इससे ये प्रश्न कर लें, वह क्या कर रहा है, तो आपको वर्ब मिल जाएगी, तो वह क्या कर रहा है, बुला, ये क्या हो गई इसकी वर्ब, ये इसकी वर्ब हो गई और ये क्या हो गया इसका सब्जेक्ट। अब अगर आपको ये देखना है कि इस ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद अभी और भी है कुछ लेकिन आप क्लियर नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है या एडवर्ब है, तो कुछ प्रश्न कर लें। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट पता करने के लिए प्रश्न कर लें, अगर वह बुला रहा है तो क्या बुला रहा है, नहीं जवाब मिलेगा, क्या बुला रहा है नहीं मिलेगा, वह बुला रहा है तो किसे बुला रहा है, किसे बुला रहा है, मुझे, यानी मी आपका क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। क्योंकि अगर आपको ऑब्जेक्ट पता करना है तो मन में बैठा नहीं प्रश्न कि आपको वर्ब से क्या या किसे का प्रश्न कर रहा है, कौन सा प्रश्न कर रहा है, वर्ब से क्या या किसे, यानी व्हाट या whom का प्रश्न करना है, तो यू विल सर्टेनली गेट योर ऑब्जेक्ट, क्या प्राप्त कर लेंगे आप ऑब्जेक्ट, यहां ऑब्जेक्ट है। अब हम प्रे कर सकते हैं कि हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट है, एक, अगर हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट है तो हम तुरंत कह देंगे जो वर्ब है वो कौन सी होगी, क्या जान लेंगे, कर लें एग्जाम्पल, ये ट्रांजिटिव का एग्जाम्पल है, आप चाहे यहां लिखे ट्रांजिटिव वर्ब, हिंदी में इसको कहते हैं सकर्मक। आप अगर और अच्छा लिखना चाहते हैं यहां ऐसे लिख लें, एक ऑब्जेक्ट वन, ठीक
कर लेंगे। यानी कोई भी ऐसे वर्ब जिस वर्ब का एक ऑब्जेक्ट होता है वो क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से आपसे कहूंगा, जो बच्चे वॉयस में एक्टिव वॉयस एंड पैसिव वॉयस में मार्क खाते हैं वो केवल दो वजह से मार्क खाते हैं, वो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की पहचान नहीं कर पाते हैं, और दूसरा उन्हें टेंस या मॉडल्स का नॉलेज नहीं होता। जिस बच्चे को सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट वगैरह का पता कर लेना आता हो, जिस बच्चे का टेंस और मॉडल्स क्लियर हो, वो नरेशन या वॉयस में कभी मार्क नहीं खाए। बट जो बच्चा इनसे दूर भागता है वो कभी कर नहीं पाया। इसलिए यहाँ ये सोच के नहीं पढ़िएगा कि आप केवल सेंटेंस पढ़ रहे हैं, आप ये सोच के पढ़िएगा कि आप नरेशन वॉयस के लिए रास्ता भी क्या कर रहे हैं, आप तैयार कर रहे हैं। बिठा दें, नहीं, अब हम ये बात आराम से समझ सकते हैं। They are reading their books. कौन पढ़ रहे हैं? ये क्या हो जाएगा? Subject. अब subject मिल गया, जिसे प्रश्न कर ले वो क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। ये क्या हो जाएगी? पूरी verb. अब अगर आपको पता करना हो कि यह verb transitive है, इंट्रांजिटिव है या डाइट्रांजिटिव है, इसे कुछ प्रश्न कर लें। अगर आपको ऑब्जेक्ट एक मिलता है तो कौन सी वर्ब होगी? ट्रांजिटिव। अगर दो ऑब्जेक्ट मिलता हो तो डाइट्रांजिटिव, और अगर मिलता ही ना हो तो इंट्रांजिटिव। तो वो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? अपनी किताबें। ये क्या हो जाएगा पूरा आपका? ऑब्जेक्ट। कितने ऑब्जेक्ट हुए? एक। तो अगर एक ऑब्जेक्ट है तो वर्ब क्या हो जाएगी? ट्रांजिटिव। लिख लें, इसके बाद हम आते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब हिंदी में क्या कहते हैं इसको? अकर्मक क्रिया, मीन्स नो ऑब्जेक्ट। इसके पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। यानी एक चीज जो हम तय कर लें, वर्ब से कौन का अगर हम प्रश्न करेंगे हमको क्या मिलेगा? यही ना। अगर हम सब्जेक्ट से क्या कर रहा है का प्रश्न करेंगे हमको क्या मिलेगी? एक्शन और ये मिलेगी। अगर हम एक्शन वर्ब से क्या या किसे का प्रश्न करेंगे हमको क्या मिलेगा? सिंपल तरीका लिख लेनी चाहिए।
ठीक। अब देखें आप ये भी कर सकते हैं, He is reading very loud. बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि जो वर्ब होती है इसके बाद जो लिखा है सब कुछ वो क्या है, ऑब्जेक्ट। एकदम से धीरे धीरे दूर हवा, आप याद हो गया होगा ऑब्जेक्ट कैसे पता चलेगा, जब हम वर्ब से एक्शन वर्ब, ध्यान रखेगा एक्शन वर्ब से, नॉट स्टेट या बेइंग या लिंकिंग वर्ब, एक्शन वर्ब से जब आप क्या या किसे का प्रश्न करेंगे जो जवाब मिलेगा वो ऑब्जेक्ट। अगर वो जवाब क्या और किसे से नहीं मिल रहा है, वो जवाब कब क्यों कैसे और कहां से मिल रहा है, तो फिर वो कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं है। चलिए, तो कौन पढ़ रहा है वह, ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मिल गया, तो ऑलरेडी हमें पता है वर्ब क्या है, तो वह क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, ये क्या हो गई वर्ब, एक्शन वर्ब हो गई। अब इस वर्ब से आप पूछें कि वह क्या पढ़ रहा है, कोई जवाब है नहीं। वह किसे पढ़ रहा है, कोई जवाब है नहीं। वह कैसे पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, बहुत तेजी से, बहुत जोर जोर से तेजी से पढ़ रहा है। कैसे का जवाब मिला, जब कैसे का जवाब मिलेगा तो फिर ऑब्जेक्ट कभी नहीं होगा, क्या होगा ये। अगर और अच्छा करना चाहते हैं तो आप धीरे धीरे जानते जाएं ये एडवर्ब आप कैसे का जवाब एडवर्ब आप मैनर होता है, अभी इतना जाने एडवर्ब, और इतना ध्यान रखें एडवर्ब कभी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है, ये चीज ध्यान रखें। अगर मन में किसी फायदा क्या हुआ, तो आपको ये फायदा होगा कि आप अगर जान जाएंगे यह एडवर्ब है तो अगर आपको इसे पैसिव बनाना होगा तो आप इसे कभी भी पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाने की कोशिश नहीं करें, इन्हें आप लिख देंगे इस वाक्य का नॉर्मली पैसिव नहीं बनेगा, क्योंकि क्या नहीं यहाँ पे है ऑब्जेक्ट। अगर आप ये नहीं जानेंगे तो आप सोचेंगे ऑब्जेक्ट है, चलो इसे पैसिव का क्या बना लेते हैं सब्जेक्ट, तो गलत हो जाएगा। कैसे सहने प्राप्त किया एडवर्ब, अब अगर ये एडवर्ब हो गया यानी कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, और कोई ऑब्जेक्ट नहीं तो वर्ब क्या हो जाएगा, इन लिख बना दे। बना दे। यानी अगर वर्ब कौन सी वर्ब, एक्शन, एक्शन वर्ब से जब हमने क्या या इसे का प्रश्न किया तो क्या मिला था ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर उसी वर्ब से एक्शन वर्ब से हम कब का प्रश्न करें, कैसे का प्रश्न करें, कहां का प्रश्न करें, क्यों का प्रश्न करें, कितना का प्रश्न करें, कितनी बार का प्रश्न करें, तो अब हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, ये नीचे लिख लें उसके, देखिए जिस बच्चे का एक इरादा है कि हमको कंपटीशन क्वालिफाई करना है, बेट करना है, क्रैक करना है, वो बच्चा इन्हें एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेगा कि अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ सकते, और जो बच्चा केवल भीड़ का एक हिस्सा बन के रहना चाहता हो
कि हम केवल पढ़ते रहें, हमको ग्रामर पढ़ना है, वो बच्चा आगे फंसता है। इसलिए हर एक अपॉर्चुनिटी, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो समझिए मैं अपना अनुभव यूज कर रहा हूँ। मैं क्यों सेंटेंस ट्रेंस और मॉडल्स पे जोर देता हूँ, क्योंकि इनके बिना आप इंग्लिश में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। जो भी बच्चा इंग्लिश में असफल हो रहा है वो बच्चा कहीं कहीं इन तीन को क्या कर रहा है, इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है। यानी आज के बाद अगर कोई आपसे पूछे कि वाक्य का ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं, क्या कहेंगे? वर्ब से। ध्यान रखिएगा, एक्शन वर्ब से, बीइंग वर्ब से नहीं, एक्शन वर्ब से। अगर आप क्या या किसे का प्रश्न करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर आप उसी एक्शन वर्ब से कब, क्यों, कैसे, कहां, कितना, कितना अधिक, कितना दूर, कितनी बार का प्रश्न करेंगे, जो जवाब मिलेगा वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? एडवर्ब। अब ये वाक्य देखें, ही हैज फॉल्ड मेरे काश। अब जो बच्चा अननोन रहेगा उसे हर एक चीज में ऑब्जेक्ट, हर चीज में सब्जेक्ट और वर्ब दिखाई देता है। जो बच्चा अच्छा है वो ये समझे ये कार्य कौन कर रहा है बुलाने का, कौन कर रहा है वह, ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया। इसने क्या किया है, इसने बुलाया है, ये क्या हो गई आपकी वर्ब हो गई। अब अगर कंफ्यूजन है तो हम कर सकते हैं इस कॉल से कुछ प्रश्न, इसने बुलाया है, किसे बुलाया है, नहीं आपके पास आंसर कहां है? इसने बुलाया है, क्या बुलाया है, नहीं आप सर, इसने बुलाया है, कितनी बार बुलाया है, बहुत बार, कितनी बार का जवाब क्या होता है एडवर्ब, यानी मेनी टाइम्स क्या हो जाएगा एडवर्ब। और जब कोई एडवर्ब कितनी बार का जवाब दे वह एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाता है। लेकिन आप मेनली एडवर्ब जाने, यह एक एडवर्ब, यानी आपके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं। अब अगर ऑब्जेक्ट नहीं है ये वर्ब क्या हो जाएगी आपकी, इन ट्रांजिटिव हो जाएगी। देखो इन ट्रांजिटिव, एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। आई एम रीडिंग, चलिए एक और लिख लेते हैं। कुछ समय पहले तक ये हियर, ये टुडे केवल एक शब्द रहे हो, अभी आप एक एक शब्द आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये कौन पढ़ रहा है, ये सब्जेक्ट है। अगर आपको इसको प्रश्न करने में दिक्कत हो, कौन पढ़ रहा है, कौन कर रहा है, तो आपको याद है आपको कि सब्जेक्ट की पहचान क्या है, जो कुछ भी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से पहले है वो क्या है, सब्जेक्ट, नॉर्मली यही ना, और कौन का जवाब सब्जेक्ट हो गया। आप अब ये भी बता सकते हैं ये सब्जेक्ट सिंपल है, कंप्लीट है या कंपाउंड है। सिंपल सब, एक ही सब्जेक्ट है, सिंपल है। ये आई एम रीडिंग है, ये क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, निश्चित ही कौन सी वर्ब होगी, एक्शन वर्ब। ये आप ये भी बता सकते हैं इस पूरे प्रेडिकेट में सिंपल प्रेडिकेट कौन सी है, आई एम रीडिंग, सिंपल प्रेडिकेट जो मेन वर्ब होती है वो सिंपल प्रेडिकेट कहलाता है। अब आपको पता नहीं कि ये बाद में क्या है, लेकिन आप पता कर सकते हैं क्या ये ऑब्जेक्ट्स हैं, कतई नहीं। मैं पढ़ रहा हूं, क्या पढ़ रहा हूं, कहीं कोई जवाब नहीं। मैं पढ़ रहा हूं, मैं किसे पढ़ रहा हूं, कहीं कोई जवाब नहीं। यानी हमारे पास अब क्लियर है कि ऑब्जेक्ट नहीं है। तो फिर अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या है,
क्योंकि ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी तभी आएगा जब उसके पहले ऑब्जेक्ट आएगा, यानी हर हाल में क्या है, एडवर्बियल्स। अब हम प्रश्न ये भी कर सकते हैं कौन से एडवर्बियल है। देखें तो मैं पढ़ रहा हूं, कहां कहां पढ़ रहा हूं मैं, यहां, ये एडवर्ब हो गया। और जो कहां यानी स्थान का जवाब दे वो एडवर्ब जो होता है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस पूछ रहे। और मैं कब पढ़ रहा हूं, अभी, आज, ये भी एडवर्ब हो जाएगा, कब का जो जवाब है, और जो कब का जवाब दे एडवर्ब ऑफ। ऐसे थोड़ी देर मैंने ये भी आपको तैयार करा लिया, कितनी बार का जो जवाब है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, कहां का जो जवाब है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, कब का जो जवाब है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है, ऐसे करके लिया कर। और अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ये एक्शन वर्ब क्या होगी, इन कौन से भी पूछ। एक और वर्ड ले लें जो अक्सर एग्जाम में हमको दिया गया, दे स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये है, ये मैंने आपको ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव करने ले दिया है, फिर भी आप पहचान सकते हैं क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, सिंपल सब्जेक्ट। स्पीक क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगी, वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं, ये सिंपल वर्ब या सिंपल प्रेडिकेट हो गया। वो क्या बोलते हैं, इंग्लिश, ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब वो ये हमको देख कितना बड़ा लगेगा, अरे क्या है, कुछ नहीं, बहुत ईजी है, वो बोलते हैं इंग्लिश, कहां बोलते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरा इतना बड़ा, इसको हम क्या कहते हैं, एडवर्बियल, क्या कहते हैं, एडवर्बियल। और ये भी एडवर्बियल क्या शो कर रहा है, प्लेस, कहां का जवाब है ना, प्लेस शो, लिख। अब आप सोचें अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है तो आपको पता है कि अब ये स्पीक तो कौन सी वर्ब होगी, ट्रांजिटिव हो जाए, कौन सी वर्ब, ट्रांजिटिव। और ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, सिंपल सब्जेक्ट। और लास्ट एंड दे ले आप, डाई ट्रांजिटिव वर्ब, डाई ट्रांजिटिव मतलब यानी ऐसी वर्ब जिनके क्या हो, दो ऑब्जेक्ट्स हो, वो डाई ट्रांजिटिव कहलाते, यानी एक ऑब्जेक्ट वाली जो वर्ब है वो क्या है, ट्रांजिटिव है, जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है वो इंट्रांजिटिव है, और जिसके दो दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डाई ट्रांजिटिव। तो यहां यानी आपके कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए, दो ऑब्जेक्ट पर। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, द्विकर्म, मतलब जिसके दो ऑब्जेक्ट्स दो कर्म हो वो डाइट्रांजिटिव। देखें कैसे, आपको याद हो गया ना कि जब हम वर्ब से क्या या किसी का प्रश्न करते हैं जो हमको जवाब मिलता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो ही गिव मी अ नाइस, किसने कहा है, क्या किसने दिया, ने वर्ब से पहले भी है तो आपका ये सब्जेक्ट हो गया, इसने क्या किया, दिया, ये क्या हो गई आपकी वर्ब हो गई।
अब हमको ये नहीं पता है कि क्या है सब, बट हम पता कर सकते हैं। अब तो ही तो प्रश्न करना है, एक क्या या किसे का प्रश्न करना है जिससे ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, और एक कब क्यों कैसे कहां कितना कितनी बार कितनी दूर का प्रश्न करना है जिससे आंसर मिल जाएगा। तो उसने दिया क्या, दिया क्या दिया, और नाइस प्लान। ये क्या हो गया आपका ऑप्शन प्लान, क्या का जवाब है, और उसने किसे दिया मुझे, ये भी क्या हो गया ऑब्जेक्ट। कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए हमारे पास, दो। अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो स्पष्ट है वर्ब कौन सी है, डाई लिख ले। कौन सा, हाँ नाइश पेन, यानी यहां पे नाउन फ्रेज जो है वो ऑब्जेक्ट का क्या कर रहा है, यानी पूरा अनाइश पेन मिलकर के क्या है ऑब्जेक्ट, जिसमें पेन आपका नाउन है, नाइस एडजेक्टिव है, ए आर्टिकल है, और तीनों मिलकर के नाउन फ्रेज बना रहे हैं। तो आपने पढ़ा है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नाउन या नाउन फ्रेज या नाउन क्लास ही हो सकता है। एक और एग्जांपल देख ले, ही है सो कॉल्ड मी अ टैक्सी, ही हैज कॉल्ड मी अ टैक्सी, किसने बुलाया है उसने, ये क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, इसने क्या किया है बुलाया है, ये क्या हो गई आपकी। अब हमको तय करना है कि हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, कितने एडवर्ब्स हैं। तो उसने बुलाया है, क्या बुलाया है फॉर टैक्स, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट, किसके लिए बुलाया है मेरे लिए, ये भी क्या हो गया ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट और ये भी ऑब्जेक्ट, तो फिर वर्ब कौन सी हो जाएगी, गाइ डॉज। यानी हम एक एक्शन वर्ब को तीन भागों में बांट सकते हैं, एक वो वर्ब जो ट्रांजिटिव है, एक वो वर्ब जो इनट्रांजिटिव है, और एक वो वर्ब जो डाइट्रांजिटिव। जिस वर्ब के पास एक ऑब्जेक्ट है वो हमेशा ट्रांजिटिव हो जाएगी, जिस वर्ब के पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमेशा डाइट्रांजिटिव हो जाएगी, और जिस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है वो क्या है इनट्रांजिटिव। क्लियर है, ये अभी हम एक्शन वर्ब पे बात करेंगे, आगे हम और वर्ब्स आएंगे, जैसे आप फाइनाइट वर्ब जानते हो, नॉन फाइनाइट वर्ब्स जानते हैं, हम इन पे भी आएंगे, हम रेगुलर वर्ब्स पे आएंगे, इरेगुलर वर्ब्स पे आएंगे, हम वीक वर्ब्स और स्ट्रांग वर्ब्स पे आएंगे, आगे धीरे धीरे आएंगे, अभी हम ट्रेडिशनल पढ़ रहे हैं। तो अब इसके बाद हम क्या कर ले, पहले ऑब्जेक्ट को, अरे वो क्या है हेल्पिंग वर्ब तय कर लेते हैं, यानी दे दें हेल्पिंग वर्ब। देखिए बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब है, या वो है आपका बीइंग और लिंकिंग वर्ब है ना, चलिए इसे बाद में पढ़ते हैं, पहले वही पढ़ लिया जाए, बीइंग या लिंकिंग। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि कहीं पर भी, कहीं पर भी अगर is, am, are, was, were, has, have, had लगा है, ये क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब, लेकिन ये धारणा आप तोड़ सकते हैं। देख, he is a, अब जो जल्दीबाजी में आप कहते रहे कि is हेल्पिंग वर्ब है, अभी कहना धीरे धीरे कम कर दिया, क्यों, क्योंकि यहां is कतई हेल्पिंग वर्ब आपके लिए, यहां is क्या है आपकी मेन वर्ब, और इस मेन वर्ब में भी क्या है
लिंकिंग वर्ब है। प्रश्न इसे लिंकिंग वर्ब या बीइंग वर्ब क्यों कह रहे हैं? बीइंग वर्ब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि होने या न होने की बात कर रहे हैं, तो बी मींस होना होता है, इसलिए इसको बीइंग वर्ब के नाम जानते हैं। इसे लिंकिंग वर्ब की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यह सब्जेक्ट और उसके द्वारा जुड़े हुए नाउन को क्या कर रही है? लिंक कर रही, जोड़ रही, इसीलिए इसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। अभी कुछ देर में आप जानेंगे यही इज आपका वर्ब स्टडी वर्ब हो जाए कैसे, कुछ देर बाद। तो ही इज अ टीचर, जिन बच्चों को लगता हो कि इज हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो कुछ देर में शायद आज से कल के बीच में जानेंगे कि इज हेल्पिंग वर्ब तभी होगी यदि इज अपने आगे किसी एक्शन वर्ब की हेल्प कर रही हो। यहां इसके आगे कोई एक्शन वर्ब है, सब्जेक्ट कोई कार्य कर रहा है नहीं, इसका मतलब कतई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जहां पे इज एम आर वाज वर्ब के तुरंत बाद कोई नाउन कोई एडजेक्टिव आ जाए तुरंत समझ जाए ये यहां क्या है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब के रूप में यह है बीइंग या क्या है, लिखने वर्ब है। लिखे पहले हेडिंग दिया होगा आपने, लिखे जब जब बी बी ई बी ई बी बी समझ रहे, बी मीन्स होना होता है और ब्रैकेट में लिख ले ब्रैकेट में इज एम आर वाज वर्ड, इज एम आर वाज वर्ड ब्रैकेट क्लोज कर दें, का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में न करके, हेल्पिंग वर्ब के रूप में न करके लिंकिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, लिंकिंग वर्ब के रूप में किया जाता है तो इसके बाद कोई नाउन या कोई एडजेक्टिव आ जाता है, कोई नाउन या कोई एडजेक्टिव आ जाता है। फुल स्टॉप, आप लाइन चेंज करके लिख लें, लाइन चेंज कर लिखें, इस एम आर वाज वर्ब के बाद कॉमा कॉमा दे लीजिएगा, इस एम आर वाज वर्ब के बाद यदि कोई नाउन या एडजेक्टिव आ जाए, कोई नाउन या एडजेक्टिव आ जाए तो ऐसी अवस्था में इस एम आर वाज वर्ड, इस एम आर वाज वर्ड को लिंकिंग या बीइंग वर्ब के नाम से जानते हैं, लिंकिंग या बीइंग वर्ब के नाम से जानते हैं। यही लिंकिंग वर्ड, यही लिंकिंग वर्ड स्टैटिव वर्ब STATIVE स्टैटिव वर्ब भी हो सकते, स्टैटिव वर्ब भी हो सकते हैं। ये एग्जाम्पल पहले लिख लें, ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर। चलिए यहां ध्यान से देखें, इसके बाद क्या है, एक नाउन आ गया है ना, कोई भी व्यक्ति वस्तु स्थान अगर नाउन है, टीचर एक कॉमन नाउन में आएगा, तो ही इज अ टीचर ये नाउन है। जबकि इसके बाद कोई एक्शन वर्ब आती तो हेल्पिंग वर्ब हो जाती, यानी यहां पते क्या है, मेन वर्ब। अब इस मेन वर्ब में हमसे पूछा जाए कौन सी वर्ब है, यह इस नाउन और इस नाउन को क्या कर रही है, जोड़ रही है, इसीलिए इस मेन वर्ब को हम क्या कहेंगे, लिंकिंग या बीइंग वर्ब कहेंगे।
लेते हैं एग्जाम्पल। लिंकिंग या बीइंग वर्ब कहें, अगर यही वाक्य आपका होता ही इज सैड, अब ये इसकी अवस्था बता रहा है कि वो कैसा है, यहां क्या था वह क्या है, यहां क्या है वह कैसा है, ये उसकी अवस्था है, उसकी स्टेट है, खुश होना उदास होना, ये अगर अवस्था है यहां, यही जो लिंकिंग वर्ब है इसी लिंकिंग को हम क्या कह सकते हैं, स्टेटिव वर्ब कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि यह वहां स्टेट प्रदर्शन करने का कार्य कर रही है। ओके चलिए और अगर एग्जांपल लें आप, शी वाज, क्या यहां वाज कभी हेल्पिंग वर्ब होगा, कभी नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है आपके पास, क्या है एक एडजेक्टिव है, यानी यहां वाज मेन वर्ब के रूप में है, अगर ये मेन वर्ब के रूप में है तो कौन सी वर्ब हो जाएगी, लिंकिंग या स्टैटिक वर्ब हो जाएगा, लेकिन क्योंकि उसके खुश होने उसकी अवस्था को दिखा रहा है। अगर आप समझना चाहते हैं अभी ये वाक्य देख लें, शी वाज, क्या यहां भी ये वाज आपके स्टेटिव या लिंकिंग या बीइंग वर्ब है, कतई नहीं, क्यों, क्योंकि इसके बाद देखिए क्या आ गई, वर्ब आ गई, जब एक वर्ब आ गई तो इस वर्ब के टेंस बनाने में क्या कर रही है, उसका मदद कर रही है, इसलिए यहां पे कतई लिंकिंग या स्टेटिव वगैरह नहीं हो, यहां क्या हो जाएगी हेल्पिंग, जो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं, तो नेक्स्ट एंड दे आप हेल्पिंग वर्ब, यहां कुछ और चीजें हैं जैसे आप जाने के आगे धीरे धीरे कि जो आपकी सीम एच डबल ई एम सीम होती है, फील होती है, ग्रो होती है, टर्न होती है, स्मेल होती है, टेस्ट होती है, लुक होती है, ये भी आपकी बीइंग वर्ब या स्टैटिव वर्ब रूप में काम कर सकते हैं, आगे जैसे जैसे आप आएंगे आपको एक वर्ब मिलेगी इन पोएटिव वर्ब, वहां पे और बेहतर आपको एक चैप्टर रूप में समझाया जाएगा। हाँ, आप ऐसे कर लेना, अगर आपको ये लगे सर कब वो स्टैटिव कब लिंकिंग होगी, जब आप सब्जेक्ट से क्या का प्रश्न कर रहे हो इस एमआर से बाद वर्ग से, तो जब आपको जवाब मिल रहा है तो वहां इस एमआर बाद वर्ग को लिंकिंग वर्ग कह लें आप, जब उसी इस एमआर बाद वर्ग से कैसा का प्रश्न कर रहे हो आप उसे स्टैटिव वर्ग कह लें आप, इससे कोई फर्क नहीं है, बस जानकारी आपकी जुड़ जाए। नेक्स्ट पढ़ेंगे होगा आपकी हेल्पिंग वर्ग, आज का लास्ट टॉपिक हेल्पिंग वर्ब, इसी हेल्पिंग वर्ब को आप जानते हैं इस नाम से भी आप जानते हैं ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग, लिख लेते हैं हेडिंग देखकर ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग, आप इसे टेंस में भी पढ़ेंगे, हम और डिटेल में जानेंगे, अभी हम जानें कि हम इसे ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यह किसी वर्ब के टेंस को बनाने में क्या करती है, उसकी मदद सहायता करती है, दिस इज रीजन वी कॉल इट ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब। फिर हम आते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार की होती है, हम यहीं से शुरू करते हैं, क्यों ये हेल्पिंग वर्ब कहलाती है, ये टेंस के हम पोर्शन में आएंगे, अभी हम जाने कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है यह दो प्रकार की होती है, कौन से दो प्रकार, एक प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और एक मॉडल, ये दो आपके पास प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स के टाइप्स होते हैं। ये जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है
मैंने बहुत सारे बच्चों से बहुत बार पूछा, ज्यादातर बच्चे तुरंत जवाब देते हैं सर इज एमआर वाजवर या ऐसा वैसा। आप ये जाने प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स केवल आपके पास तीन होती है, डू होती है, बी होती है और है। जो भी बच्चे डू बी और हैव के सिस्टम को समझ लेते हैं उस बच्चे का टेंस कभी भी वीक नहीं हो सकता है। तो यहाँ का टेंस इसी सेंटेंस के बाद आएगा तो उस पर डिस्कशन करेंगे हम। फिर यहाँ हमारे पास मॉडल्स है, ये जो मॉडल्स हैं ये कई सारी होती हैं जिनमें तीन प्रकार आज हम जान लें। एक कोर मॉडल्स या फुल मॉडल्स, एक सेमी मॉडल्स और एक तीसरी कौन से मॉडल्स, शूडो मॉडल्स। कौन सी, शूडो, पी एस ई यू डी ओ, शूडो मॉडल्स। लेकिन कोई हमसे पूछे कि हेल्पिंग वर्ब या जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो हम कहते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और एक मॉडल्स। कोई पूछे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, हम क्या कहेंगे, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स जो होती हैं वो हमारे पास डू बी और हैव है, जो पूरे टेंस का निर्माण करती है। पूरा टेंस आपका केवल इन तीन शब्दों पर टिका हुआ, विश्वास करें पूरा टेंस, अगर वो टेंस है तो इन तीन शब्दों पर डिपेंड है, और जो इन तीन शब्दों पर डिपेंड नहीं है वो किस पर डिपेंड है, मॉडल्स पर। फिर कोई पूछे मॉडल्स कितने प्रकार के होते हैं, बाकी मॉडल्स भी तीन प्रकार के होते हैं, एक कोर या फुल मॉडल्स, एक सेमी मॉडल्स और एक शूडो मॉडल्स। कल हम इसी के आगे पढ़ेंगे कि हमारी ये जो बी डू हैव है इनको हम कैसे जाने, और ये जो कोर मॉडल्स होते हैं कौन कौन से हैं, सेमी मॉडल्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, और शूडो मॉडल्स जो कुछ बच्चे शायद लाइफ में पहली बार पढ़ रहे हो ये शूडो मॉडल्स कौन कौन से होती हैं, लेकिन इसके लिए आपको कल का वेट करना होगा।